सेल्स लॉ ऑफ मार्केट। तो ये जो चैप्टर है इसमें जो सेल्स है ना वो एक इकोनॉमिस्ट है, राइट, नाम है ये इकोनॉमिस्ट है सेल्स, ठीक है, डीबी सेल्स, ओके। ये इकोनॉमिस्ट है जिन्हें हम ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट बोल सकते हैं या फिर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बोल सकते हैं, मतलब ये जो इकोनॉमिस्ट है ना ये पुराने इकोनॉमिस्ट है, ओके। उनके हिसाब से पुराने हैं, 18th-19th century के हैं, राइट, ये सेल्स जो है उनके हिसाब से जो मार्केट है इकोनॉमिक की वो कैसी है वो पढ़ने वाले हम, ठीक है। वो उन्होंने इकोनॉमिक मार्केट को किस तरह लिखा है, क्या बताया है, उनके हिसाब से मार्केट कैसी चलनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट कैसा होना चाहिए, राइट, फुल एम्प्लॉयमेंट है कि नहीं है, गवर्नमेंट का इंटरफेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, राइट, इंटरवेंशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें ये बताते हैं सेल्स लॉ ऑफ मार्केट। तो थोड़ा अच्छी चीजें हैं इसमें और थोड़ी पुरानी चीजें हैं जो हम पढ़ेंगे, जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स से रिलेट तो नहीं करती बट उस समय वो काफी अच्छी थी, राइट। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, राइट, और मीनिंग ऑफ सेल्स लॉ पढ़ेंगे, ओके। अगर हुआ तो बार्टर सिस्टम ही पढ़ लेंगे, इकोनॉमिक तीन आंसर कवर कर लेंगे, ओके। देखते हैं, द क्लासिकल थियरी इज द प्रोडक्ट ऑफ एन accumulations and the refinement of ideas developed by economists during the 18th and early 19th centuries. Classical economists included, अच्छा ठीक है, इन्होंने बोला है कि कुछ ऐसे मार्केट वगैरह हैं, ठीक है, प्रोडक्ट वगैरह से रिलेटेड जिन्होंने हाईलाइट किया है जो इकोनॉमिस्ट हैं क्लासिकल के, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो है, और कुछ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के आपको नाम दिए हैं, डेविड रिकार्डो, ओके, जेस मिल, एल्फ्रेड मार्शल, ऐसे पिगू और डीबी सेज, ठीक है। तो इसमें हम सेज के बारे में पढ़ने वाले हैं और पिगू के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, राइट, सेज पढ़ते क्या बोलते हैं ये, द क्लासिकल इकोनॉमिक्स अज्यूम दैट इफ प्राइस एंड वेजेस रेट वर फ्लेक्सिबल देयर वाज बिल्ट इन टेंडेंसी फॉर द इकोनॉमी टू ऑपरेट एट फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। वो ऐसे क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे ना, वो क्या कहते थे कि अगर हमारे इकोनॉमिक में, ठीक है, प्राइस और वेज रेट, ठीक है, वेज रेट मतलब जो लेबर्स वगैरह अर्न करते हैं ना, जिसे हम जो ऑफिस मैन करते हैं सैलरी बोलते हैं, और जो लेबर अर्न करते हैं उसको हम वेजेस बोलते हैं, राइट। तो कहते हैं कि अगर प्राइस और वेजेस, ठीक है, अगर वो फ्लेक्सिबल होंगे, मतलब चेंज होते रहेंगे, इस तरह क्या होगा कि इकोनॉमिक में फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है, मॉडर्न इकोनॉमिक में पॉसिबल नहीं है। बट सेल्स लॉ का ये फीचर भी है कि वो कहते हैं इकोनॉमिक में क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, मतलब सब लोग एम्प्लॉयड हैं, कोई किसी के पास जॉब नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो सारी बात बताऊंगी मैं आगे क्या है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट द मार्केट फोर्सेस विल मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट इन द लॉन्ग रन, ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली द आउटपुट विल बी प्रोड्यूस एट द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। वो कहते हैं जो ये सेल्स लॉ है ना, इनका अजम्पशन भी था, ये ऐसा मानते भी थे, राइट, कि इकोनॉमिक में क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, और उसके बेसिस पे ही आउटपुट होता है, प्रोडक्शन होता है, मतलब सब लोग एम्प्लॉयड हैं, ओके। फुल एम्प्लॉयमेंट वॉज डिफाइंड एज सिचुएशंस वेयर वेयर देयर इज नो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, दो देयर मे बी अ फ्रिक्शनल, और देखो सबसे पहले बात समझते हैं हम लोग, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एक होता है, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और एक होता है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलंटरी मतलब क्या होता है, जो खुद से होता है, ठीक है, राइट। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, जब आप कोई जॉब जैसे कि वॉलंटरी है, राइट, इन नहीं है, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, जब आप खुद से कोई जॉब क्या करते हैं, छोड़ते हैं, राइट, ये जॉब को आप लीव कर देते हैं, आपको जॉब नहीं चाहिए क्योंकि वो जॉब में सैलरी अच्छी नहीं है, आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से वो जॉब नहीं दिया है, राइट, उस तरह आप क्या करेंगे, वो जॉब को नहीं करते वो जॉब, तो वो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है, आपकी मर्जी से हुआ है। ये होता है ना इनवॉलंटरी, मतलब क्या होता है कि इकोनॉमिक की सिचुएशन की वजह से आपको जॉब से निकाला गया है, ठीक है, तो ये चीजें इन लोगों ने बताई है। अदर वर्ड्स, व्हेन ऑल पीपल हु आर विलिंग टू वर्क कैन फाइंड एम्प्लॉयड, फुल एम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट, ठीक है। तो कहते हैं कि अगर सब लोग ऐसे, सब लोग की इच्छा है कि वो काम करे, तो सब लोग क्या है, एम्प्लॉयड है, ऐसा सेल्स कहते थे, ठीक है। सेल्स लॉ है जो
इनकी थोड़ी बातें अलग हैं, राइट, जो हम पढ़ेंगे. वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट अराइज व्हेन द वर्कर रिफ्यूज टू वर्क एट द गोइंग वेज रेट और द करंट वेज रेट. ठीक है, जो मैंने अभी भी बताया कि वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ऐसा होता है जो वर्कफोर्स, मतलब जो वर्कर हैं, वो लोग खुद ही रिफ्यूज कर देते हैं वर्क करने के लिए. वो खुद ही वर्क नहीं करते क्योंकि उनको जो वेज रेट वगैरह वो अच्छा नहीं लगता. फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट व्हेन वर्कर आर टेम्पररली आउट ऑफ वर्क ड्यू टू द इनपरफेक्शंस इन द लेबर मार्केट. अब फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि ऐसा एम्प्लॉयमेंट होता है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है जब वर्कर क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए क्या करते हैं, लेबर मार्केट से हट जाते हैं, उसके इनपरफेक्शन की वजह से क्या करते हैं, हट जाते हैं, काम नहीं करते हैं. ठीक है, इट एग्जिस्ट ऑन द अकाउंट ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स सच एज द इमोबिलिटी ऑफ लेबर. हाँ, हो सकता है कि लेबर यहाँ से वहाँ ट्रांसफर हो जाए. ठीक है, अभी मुंबई में काम कर रहे हैं, कहीं कभी कहीं और स्टेट में काम करेगा, ठीक है, कभी गुजरात में करेगा. ठीक है, ऐसी चीजें हो जाती हैं, राइट. और द सीजनल नेचर ऑफ वर्क, और कभी कभी क्या होता है कि जो वर्कर काम कर रहा है अब उसके लिए कोई काम ही नहीं है. सीजनल नेचर ऑफ वर्क होता है, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है ये, सीजन वाइज उसमें भी चेंजेस होते रहते हैं उसके एम्प्लॉयमेंट में. शॉर्टेज ऑफ मटेरियल्स, ओके, और ब्रेक डाउन ऑफ द मशीनरी एंड इक्विपमेंट. जिस मशीनरी पे काम कर रहा था वो मशीनरी टूट गई है, खराब हो गई है, आउटडेटेड हो गई है, राइट. इस तरह से भी उनका एम्प्लॉयमेंट चला जाता है, बट टेम्पररी पीरियड के लिए, राइट. इग्नोरेंस ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, बहुत लोग क्या करते हैं कि जॉब आता है उनको, मतलब वो करते ही नहीं है, राइट. मतलब ऐसा समझ रहे हो ना, इंटरव्यू देने के लिए आया, आपको पता है कि यहाँ पे जॉब है, फिर भी आप नहीं जाते काम करने के लिए, राइट. तो वो क्या होता है, इग्नोरेंस ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी. तो इन सारी चीजों की वजह से भी कुछ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, राइट. एक होता है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा होता है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, और तीसरा क्या होता है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. तो ये तीन टाइप्स के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं इकोनॉमिक में. अदरवाइज अकॉर्डिंग टू सेज एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट होती है. दे इग्नोर द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. इस तरह ये जो तीनों प्रॉब्लम है ना अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, उसको क्या कर रहे हैं, से इग्नोर कर रहे हैं. ठीक है, द क्लासिकल इकोनॉमिक्स कंसिडर फुल एम्प्लॉयमेंट एज ए नॉर्मल फीचर ऑफ एन इकोनॉमिक, राइट. ये जो तीनों प्रॉब्लम है ना अनएम्प्लॉयमेंट की, उसको क्या कर रहे हैं क्लासिकल इकोनॉमिक्स, इग्नोर कर रहे हैं, बोले ऐसी कोई चीज ही नहीं है, राइट. वो कंसिडर करते हैं इकोनॉमिक में फुल एम्प्लॉयमेंट को एज ए नॉर्मल फीचर ऑफ एन इकोनॉमिक, राइट. नॉर्मल फीचर है उनके लिए, मतलब उनका कहना है कि इकोनॉमिक में फुल एम्प्लॉयमेंट होती है. Thus they did not analyze the factor which determine the general level of employment. मॉडर्न इकोनॉमिक में पॉसिबल नहीं है, हम नहीं कह सकते मॉडर्न इकोनॉमिक में कि सब लोग एम्प्लॉयड है, फुल एम्प्लॉयमेंट है क्या, नहीं. बहुत लोग बेरोजगार बैठे हैं, आप लोग स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, कॉलेज वगैरह में पढ़ रहे हैं, तो उसमें से कुछ बच्चे होंगे जो काम करते होंगे, कुछ नहीं करते होंगे, ठीक है, वो भी तो अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयड है ना वो. तो हम नहीं कह सकते कि मॉडर्न इकोनॉमिक में फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है. बहुत लोग हैं जो एम्प्लॉयड नहीं है, ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू सेज फुल एम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमिक में. मीनिंग ऑफ सेज लॉ ऑफ मार्केट, वन ऑफ फ्यू एक्सप्लिट्स मैक्रो इकोनॉमिक, राइट, प्रोपोजिशंस ऑफ क्लासिकल थियरी वॉज सेज लॉ ऑफ मार्केट. इट वॉज नेम्ड आफ्टर जेपी सेज, द फ्रेंच इकोनॉमिस्ट हु स्टेटेड द लॉ इन सिस्टमैटिक फॉर्म इन 1803. ठीक है, अब ये कुछ डेटा दी हुई इनकी कि उन्होंने कब ये मार्केट जो है, लॉ ऑफ मार्केट कब इंट्रोड्यूस कराया था, वो सारी चीजें. सेज लॉ स्टेटेड दैट सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड. ठीक है, ये उनका काफी फेमस लाइन है, राइट. क्या है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, राइट. इसको ध्यान, इसको समझने वाली बात है, समझते हैं हम क्या कहते हैं, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड. तो सेस कहते थे कि अगर इकोनॉमिक में प्रोडक्शन होता रहेगा, मतलब प्रोड्यूसर क्या करता रहेगा, सप्लाई करता रहेगा, प्रोडक्शन प्रोडक्ट बनाता रहेगा, सप्लाई करता रहेगा, और डिमांड अपने आप क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी. ठीक है, डिमांड क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं होती, सेस कहते थे कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड. बट मॉडर्न इकोनॉमिक में ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं है. क्यों, क्योंकि मॉडर्न इकोनॉमिक में क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्या है, कंपटीशन आ गया है. अगर कोई प्रोड्यूसर है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट लेके बना रहा है, ठीक है, अगर वो चॉकलेट ही बना रहा है सपोज, ठीक है, वो चॉकलेट बना रहा है और चॉकलेट बनाते जा रहा है, वो सप्लाई करते जा रहा है, ठीक है, तो डिमांड अपने आप होगी क्या,
नहीं होगी। बट सेल्स क्या है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, तो उनके अकॉर्डिंग क्या था, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। अब सप्लाई करते जाओ, प्रोडक्शन करते जाओ, डिमांड अपने आप होगी, राइट, क्योंकि कंपटीशन ही नहीं था। दिस मीन्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स टू नहीं, दिस मीन्स दैट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल जनरेट इनफ, ओके, इनकम एंड एक्सपेंडिचर टू डिमांड वट एवर इज प्रोड्यूस, ठीक है। मतलब उनका कहने का मतलब था कि जो प्रोडक्शन है गुड्स एंड सर्विसेज की, वो क्या करेगी, जनरेट होती रहेगी, राइट, और इनकम जनरेट होता रहेगा, लोग डिमांड करते रहेंगे, मतलब इकोनॉमी क्या होगी, स्मूथली चलेगी, सेल्स कहते थे ऐसा। देयर विल बी नो डिफिशियंसी ऑफ डिमांड, मतलब इकोनॉमिक में डिफिशियंसी आएगी ही नहीं, डिमांड में, मतलब डिमांड कम होगा ही नहीं, ठीक है, डिमांड कम होगा ही नहीं, ओके। इन सच सिचुएशन देयर कैन नॉट बी जनरल ओवर प्रोडक्शन और अनएम्प्लॉयमेंट ऑन अकाउंट ऑफ एक्सेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स ओवर डिमांड, ठीक है। तो सीधी सी बात है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, ठीक है, सप्लाई करते जा रहे हैं, डिमांड होती जा रही है, मतलब सप्लाई और डिमांड क्या है, इक्वली है, ठीक है, सेल्स के अकॉर्डिंग, राइट। कहने का मतलब है कि अगर ऐसी चीजें हैं तो ओवर प्रोडक्शन होगा ही नहीं, राइट, ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे कि देखो क्या है, सप्लाई और डिमांड क्या है, इक्वल है। तो अगर सप्लायर क्या करेगा, सप्लाई करेगा 10,000 प्रोडक्ट, तो 10,000 डिमांड करने वाले भी हैं, तो क्या अगर सप्लाई 10,000 हो रही है तो डिमांड भी 10,000 है, इक्वल है ना, राइट, जितनी सप्लाई है उतनी डिमांड है। सेल्स का कहना था कि जितना वो सप्लाई करेंगे उतनी डिमांड हो जाएगी, ठीक है, तो अगर जितना सप्लाई करेंगे उतनी डिमांड हो जाएगी तो ओवर प्रोडक्शन की कोई बात ही नहीं होती है, राइट, ओवर प्रोडक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने इतना ही सप्लाई किया और इतना डिमांड भी हो गया। अगर मैं 20,000 सप्लाई करता तो 20,000 डिमांड हो जाती, राइट, ऐसा ही है, क्योंकि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, जितना सप्लाई होता जाएगा उतना डिमांड बढ़ती जाएगी, ये सेल्स कहते हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट ऑन अकाउंट ऑफ एक्सेस, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं होगा कुछ, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट है ना इकोनॉमिक में, इकोनॉमिक में फुल एम्प्लॉयमेंट है, सिर्फ डिमांड कर रहे हैं, उतना ही प्रोडक्शन हो रहा है, जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतना सप्लाई हो रहा है, ठीक है, मतलब उतना डिमांड हो रहा है, ओके, ऐसा। सेल्स लॉ इज फाउंड टू बी तो जो भी सेल्स लॉ कह रहे हैं, ठीक है, जो भी सेल्स कह रहे हैं, राइट, कि फुल एम्प्लॉयमेंट है, डिमांड और सप्लाई इक्वल है, जितना सप्लाई करेंगे उतना सारा का सारा डिमांड हो जाएगा मार्केट में, राइट, तो उनकी जो थियोरी है, राइट, वो एप्लीकेबल हुई है कहाँ पे, बार्टर सिस्टम में, बार्टर इकोनॉमिक में और मनी इकोनॉमिक में। तो बार्टर सिस्टम क्या होता है वो हम पढ़ेंगे, 5.3 सेल्स लॉ इन बार्टर इकोनॉमिक। तो बार्टर इकोनॉमिक तो आप लोगों को पता ही होगा, बार्टर इकोनॉमिक क्या होती है, ऐसी इकोनॉमिक होती है जहाँ पे कम्युनिटी कम्युनिटी सेक्शन होती है, ठीक है, ऐसा पहले होता था, अगर आप चावल लगा रहे हैं तो आप गेहूँ देंगे, मतलब वीट देंगे, राइट, ऐसा होता था ना पहले, कम्युनिटी होती थी, मतलब मनी नहीं होती थी, राइट, उसे हम बार्टर इकोनॉमिक बोलते हैं, पहले होता था ऐसा। इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म सेल्स लॉ इज एप्लीकेबल टू बार्टर इकोनॉमिक वेयर गुड्स आर अल्टीमेटली सोल्ड फॉर गुड्स, ठीक है, सीधी सी बात है, एक्सचेंज होता था, मतलब गुड्स गुड्स बेचता था, ठीक है। तो अगर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर में हूँ, ठीक है, अगर मैं कितना भी प्रोडक्शन करूंगी, ठीक है, कितना भी वीट उगाऊ मैं, कितना भी राइस उगाऊ, ठीक है, कितना भी कुछ भी, मतलब कमर्शियल क्रॉप्स, ज्वार वगैरह कुछ भी उगाऊ, उतना डिमांड हो जाएगा कि नहीं, पक्का लोग खरीदेंगे, अगर डिमांड नहीं भी हुआ तो अपने घर के लिए यूजफुल हो जाएगा वो, ओके, इसलिए उस वक्त के लिए जो ये जो सेल्स की थियरी है वो क्या है, एप्लीकेबल होती है। इन बार्टर इकोनॉमिक पीपल प्रोड्यूस गुड्स ईदर टू कंज्यूम और दे बाय देमसेल्व्स और टू एक्सचेंज देम फॉर द प्रोडक्ट ऑफ अदर, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया, जो भी वो प्रोडक्शन करते हैं या तो वो खुद यूज करेंगे या फिर दूसरे से एक्सचेंज कर देंगे, राइट, उनको और ज्वार की जरूरत है तो वो अपना वीट देके ज्वार ले लेंगे, ठीक है, इस तरह होता है। इन द प्रोसेस द एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स इक्वल द इक्वल्स द एग्रीगेट सप्लाई ऑफ गुड्स, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि सेल्स के अकॉर्डिंग क्या है कि डिमांड और सप्लाई क्या है, इक्वल है, ठीक है। इन सच स्टेट देयर कैन नॉट बी जनरल ओवर प्रोडक्शन बिकॉज सप्लाई ऑफ गुड्स विल नॉट एक्सीड डिमांड एज होल। तो इस तरह अगर ऐसा है कि जितना भी हमने प्रोडक्शन किया उतना डिमांड हो जाएगा बार्टर सिस्टम में या फिर हम खुद यूज कर लेंगे उसे, तो ओवर प्रोडक्शन की कोई बात ही नहीं आती है, राइट, ना ही ओवर प्रोडक्शन की कोई बात आती है और ना ही डिमांड ज्यादा होती है। डिमांड ज्यादा होगी नहीं, क्यों नहीं होगी, डिमांड ज्यादा क्यों नहीं होगी, क्योंकि क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, राइट, डिमांड और सप्लाई क्या है, इक्वल है, डिमांड जितना हो रहा है उतना ही होगा, राइट, ये चीजें हैं। और इफ देयर वाज शॉर्टेज ऑफ और सरप्लस ऑफ सर्टेन गुड्स दे वर कंसीडर्ड टू बी टेम्पररी फिनोमिना, राइट, और ऐसा कह रहे हैं कि कभी कभी अगर हो भी गया ऐसा कि सरप्लस हो गया, प्लस हो गया या फिर शॉर्टेज हो गया, तो वो टेम्पररी है, ठीक है, उसको कंसिडर सेल्स नहीं करते।
ठीक है, दे कुड बी ओवरकम बाय शिफ्टिंग द रिसोर्सेज फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ सरप्लस गुड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विच आर इन ग्रेट डिमांड। ठीक है, तो इस तरह वो लोग क्या करेंगे, जिसमें भी डिमांड ज्यादा रहेगी उसमें वो सारे चीजें क्या करते हैं, प्रोडक्ट एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो सेल्स की जो थियरी है वो ये सेल्स बार्टर सिस्टम में एप्लीकेबल होती है। ओके, 5.4 क्या है, सेल्स लॉ इन मनी इकोनॉमिक, राइट। तो ये जो सेल्स लॉ है मनी इकोनॉमिक में भी एप्लीकेबल होता है। द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ऑल्सो बिलीव दैट सेल्स लॉ वॉज इक्वली वैलिड इन मनी इकोनॉमिक। कुछ ऐसे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने ऐसा भरोसा किया कि जो सेल्स लॉ है वो किस में एप्लीकेबल है, मनी मार्केट में, ठीक है, जिसमें मनी से रिलेटेड काम होता है। द एग्जिस्टिंग ऑफ मनी डज नॉट अल्टर द बेसिक लॉ। द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी डज नॉट मेक एनी डिफरेंसेज बिकॉज मनी इज यूज ओनली अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ओके, तो कहने का मतलब है कि ये जो मनी मार्केट है, मनी मार्केट में क्या होता था कि जो मनी है, जो पैसे हैं, वो सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऐसे यूज होते थे, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मनी इज न्यूट्रल एंड डज नॉट इन्फ्लुएंस द रियल प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उनको मनी से कोई रिलेशन ही नहीं था, क्यों, क्योंकि वो बोलते थे इकोनॉमिक अपने आप एडजस्ट कर जाएगी, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी नहीं था, कुछ भी पॉलिसी नहीं है, राइट, बार्टर सिस्टम चल रहा है, गुड्स को लेके एक्सचेंज हो रहे हैं, राइट। तो उस वक्त वो क्या सोचते थे कि जो मनी है वो क्या न्यूट्रल है, मतलब उसका कोई यूज नहीं, न्यूट्रल है, जीरो इफेक्ट, ठीक है। इफ यू अज्यूम दैट देयर इज नो सेविंग, अगर कोई सेविंग ही नहीं है, पैसे हमने सेव करके नहीं रखे हैं, राइट, तो इस तरह क्या होगा, जो भी हम इनकम अर्न कर रहे हैं, मतलब हाउस होल्ड जो भी इनकम अर्न कर रहे हैं, सारा का सारा इनकम क्या करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च कर देगा, राइट। सारा का सारा इनकम क्या करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च कर देगा। तो डिमांड और सप्लाई क्या हो गई, इक्वल हो गई ना, तो सेल्स लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, ठीक है। इन दिस केस मनी फ्लोज विल क्रॉसपॉन्ड टू द रियल फ्लो ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज एंड गुड्स। मतलब क्या बोल रहा है कि इस केस में क्या होता है, मनी जो है सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम कर रही है, राइट। वो तो यही रहा है ना कि सारा का सारा वो फर्म को दे रहा है, फिर फर्म क्या कर रहा है, गुड्स बना रहा है, हाउसहोल्ड को दे रहा है, सारी की सारी चीजें क्या हो रही है, खर्चा ही हो रही है, ठीक है। मतलब डिमांड और सप्लाई इक्वल ही है, सेल्स लॉ यहाँ पे क्या करता है, एप्लीकेबल होता है। कंसेप्ट है इस डायग्राम के थ्रू समझाया है इन लोगों ने। फैक्टर इनकम तो क्या होता है पता है, राइट, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फर्म है और हाउस होल्ड है, ठीक है, सर्कुलर फ्लो में मैंने ये सब पढ़ाया है, राइट। तो फैक्टर इनकम क्या होता है, जो भी रेंट, इंटरेस्ट, वेज, राइट, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलते हैं। तो क्या करता है, फर्म क्या कर रही है, फैक्टर्स इनकम किसको ट्रांसफर करती है, हाउस होल्ड को, क्या करती है, फैक्टर्स इनकम देती है हाउस होल्ड को। ओके, फिर हाउस होल्ड क्या करता है, वही पैसे से, उसी पैसे को किसको देता है, फर्म को। मतलब हाउस होल्ड क्या करता है, फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है, क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है। तो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने का मतलब क्या होता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, राइट। फर्म क्या करती है, इन लोगों से क्या करती है, हाउस होल्ड से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेती है, उससे गुड्स एंड सर्विसेज बनाती है, फिर फैक्टर इनकम इन लोगों को ट्रांसफर करती है, फिर वही इनकम हाउस होल्ड क्या करता है, लेके खर्चा करता है, मतलब फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज लेता है, बीच में कहीं भी सेविंग नहीं आती है, राइट, सेविंग कहीं भी नहीं है, सारा का सारा पैसा क्या हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्चा हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में सेल्स लॉ क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। When the firm obtain various inputs, okay, to be used in the product productions, they pay for them in money in the form of wages, rent, interest, profit, which constitute the income of the household. ठीक है, मतलब ये तो आप लोगों को पता ही है कि firm क्या receive करती है household से, factors of production, land, labor, capital, entrepreneur. ठीक है, in return वो क्या देती है, उन लोगों को factor income देती है household को। ओके, हमें मतलब वेजेस मिलता है, अगर हम किसी फर्म वगैरह में काम करते हैं तो हमें वेजेस मिलता है, राइट। उस वेज को हम लोग क्या करते हैं, यूज करके फिर उसी फर्म से क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं, राइट। द हाउस होल्ड स्पेंड देयर इनकम ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फर्म। ठीक है, वही फर्म जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है, राइट, उसे खरीदने के लिए हम वही इनकम क्या करते हैं, स्पेंड कर देते हैं, पूरा खर्च कर देते हैं। दस देयर इज अ सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड एंड फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। ठीक है, this shows that in the absence of saving and holding of money, all income received will be spent on the consumption and goods. In this way, supply creates its own demand. समझ में आ रहा है? मतलब क्या हो रहा है कि जो भी income transfer हो रही है, ठीक है, वो सारी की सारी income क्या हो रही है, household firm पे खर्चा कर दे रहा है। तो इस तरह जितना भी firm supply कर रहा है उतनी demand हो रही है, क्यों, क्योंकि household जो है वो पैसे तो hold करके रख नहीं रहा है, पैसे तो सेविंग करके रख नहीं रहा है ना कि बाद में खर्चा करेंगे, नहीं, वो क्या कर रहा है, जितना भी फर्म सप्लाई कर रहा है उतना हाउस होल्ड क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है और खर्च करते जा रहा है,
राइट right? इस तरह सप्लाई और डिमांड क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो इस केस में सेल्स लॉ क्या होता है, एप्लीकेबल होता है।